मुंबई में जाने क्राइम ब्रांच ने मर्चेंट डेवी शिपिंग कंपनी में काम करने के लिए लगने वाले सीडीसी अर्थात कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट को फर्जी तौर पर बनाकर लोगों को बेचने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि अब तक करीब 400 लोगों को ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर यह गिरोह करीब 4 लाख रुपए की कीमत में बेच चुका है। बहुत या केरल और मुंबई के लोगों को इस गिरोह ने यह फर्जी सीडीसी बेचने की कबूली दी है। बाकायदा मुंबई के एक प्लेसमेंट कंपनी के नाम पर यह गिरोह आम लोगों को अपना शिकार बनाता है। इस मामले में पकड़े गए अब्दुल्ला हकीम, विजयन पिल्ले और अली मूसा एजेंट है। वही गर्जत से गिरफ्तार दिनेश रिंदल इस गिरोह का मुखिया है जो फर्जी सीडीसी सर्टिफिकेट बनाता था। पुलिस का दावा है कि जिन्होंने यह फर्जी सीडीसी लिया है यदि वे पकड़े गए तो उन पर कानून के तहत मामला भी दाखिल किया जा सकता है। इस गिरोह के पास से 36 फर्जी कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, 27 पासपोर्ट, लोगों के बायोडेटा, प्रिंटिंग मशीन सहित अन्य साहित्य भी बरामद किए गए हैं। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। पेश है हमारे थाने के संवाददाता दिनेश शुक्ला की खास रिपोर्ट। प्रदीप एलियस दिनेश एलियस प्रदीप शंकर रौंदल नाम का जो व्यक्ति है उसकी उम्र 29 साल है और वो पिछले 6-8 साल से इस प्रकार का कार्य कर रहा था। उसके 8-9 एजेंट से उसकी पहचान थी। अधिकतर एजेंट्स केरला के रहने वाले थे, कुछ एजेंट्स मुंबई के भी हैं। मिडलमैन तीनों मुंबई के और डोंबिवली एरिया के रहने वाले हैं और आज तक करीब इस प्रकार के 400 डॉक्यूमेंट्स लगभग पब्लिश कर चुका है और प्रत्येक डॉक्यूमेंट का 1 लाख से 4 लाख रुपया एजेंट लेता था और उसमें से करीब 60,000 से लेकर 1 लाख रुपया वो मिडलमैन को या प्रिंटर को इस डॉक्यूमेंट बनाने का दिया करता था। 6 से 8 साल से इस प्रकार का कार्य कर रहा था फौजरी का ये वाला व्यक्ति।